राम सिंह बेटी वाले बेटी वाले बेटी ले रखी संघर्ष करके हर गांव में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ बनाने का काम किया है, आप सबको आशीर्वाद रूप में दो वचन कहते हैं। आज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित है, और खास करके वेद जी को जो चेयरमैनी मिली उसकी खुशी बधाई के लिए आप सब लोग आए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता का जो सम्मान होता है वो हमेशा से, चाहे संगठन हो सरकार हो, उसमें करने का प्रयास किया जाता है। अब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने शाम कपूर जब भी खड़े हैं, ये भी पहले चेयरमैन मार्केट कमेटी के आपके रतिया के रहे, और कुछ और साथी भी ऐसे हैं जिनको पार्टी ने सरकारी कोई ना कोई जिम्मेवारी दे करके एक समिति निकला, ये मेरे साथ खड़े नॉमिनेटेड पार्षद ये बने थे। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उस कार्यकर्ता को पार्टी हमेशा से मान सम्मान देने का काम करती आई है, चाहे वो संगठन में हो या फिर अभी अपनी 9.5 साल से सरकार जो चल रही है सरकार के नाते हो। मैं तो अब आप सब कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहूँगा कि आप सब कार्यकर्ता की भावना से काम करने वाले यहाँ पर सब पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज कार्यकर्ता की मेहनत से हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री बने, अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, ये सब कार्यकर्ताओं की और हम सब लोग जो टीम वर्क के नाते काम करते हैं उसका परिणाम होता है। इसलिए आप सब साथियों से एक बात पे अपील करना चाहूँगा, जोश तो आप लोगों में पहले ही था,
लेकिन फतेहाबाद जिले के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वेद फुला जी थे, एक छोटे से कार्यकर्ता से काम शुरू किया था, युवा मोर्चा की टीम से इन्होंने काम शुरू किया था, और फिर जिला अध्यक्ष और बाद में जिला के प्रभारी, चाहे वो कैथल के प्रभारी की बात हो या आप सिरसा के प्रभारी की बात हो या अब नई चुनाव की व्यवस्थाएं जो खड़ी हुई है उसमें पूरे प्रदेश का बूथ का काम देखने की बात हो, तो काम इनके जुम्मे भी लगा है, चेयरमैन ही तो अपनी जगह है, लेकिन वो क्योंकि कार्यकर्ता के नाते बढ़िया काम जब कोई करता है उसको आगे बढ़ाने का काम ही संगठन करता है, तो इसमें केवल वेद फुला जी आगे नहीं बढ़े, पता नहीं कितने ही कार्यकर्ता मेरे सामने यहाँ पर इधर दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हैं जो साधारण से कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते और आज बड़े पदों के ऊपर पहुंचे हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई चुनाव आ गया बिल्कुल सर पे, आ गया ना, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, अब हमने एक काम करना है। देखो भाई, हम जो भी काम करते हैं वो काम दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। अब जिस दिन तक अपनी एक एक वोट बोलना होले तब तक अपने कार्यकर्ता चैन से ना बैठे, ये संकल्प आज इस खुशी के टाइम पर लेकर के जाना है, ठीक है ना। अपने उम्मीदवार पार्टी ने डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो उनकी पारी शुरू हुई है उसके रूप में अब वो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार भी पार्टी ने घोषित कर दिए, तो अब एक एक पार्टी का कार्यकर्ता अशोक तंवर है, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी है, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता नायब सैनी है और एक एक पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल है। इस भाव से हमने काम करना है और डट करके अपनी सीट को जिता करके भेजना है, और उसमें मैं कहता हूं कि पिछली बार भी सिरसा लोकसभा की नौ विधानसभा सीटें जिता करके दी थी कि नहीं, कहीं भी नहीं आ रहे थे जी लोकसभा में। लोकसभा का जो चुनाव था उस लोकसभा के चुनाव में सुनीता दुग्गल जी बहन जी अपनी उम्मीदवार थी, नौ की नौ विधानसभा सीट जीत करके गई थी। इस बार भी इन सिरसा लोकसभा में आने वाली नौ की नौ विधानसभा में हमने भाई